Hi, let's see this set. And in this set, it is mentioned that in a football tournament, there are 15 teams competing in a round robin format. It means from here, it is clear that this is a games and tournament set. Okay, and the 15 team is there who is playing in a round robin format. What is a round robin format? राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होता गया है. सो राउंड रॉबिन में सिंपल, लेट्स से अगर वहाँ पे तीन टीम है तो ये टीम एक दूसरे के साथ हर एक मतलब एक टीम लेट्स से थ्री टीम्स वुड बी ए बी सी, दे विल प्ले मैच विथ ईच अदर. मतलब ए बी के साथ भी खेलेगा मैच, ए सी के साथ भी खेलेगा. सिमिलरली वी विल गोइंग टू प्ले विथ ए, वी विल गोइंग टू प्ले विथ सी, एंड सिमिलरली फॉर सी ऑल्सो. इट मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस कंडीशन में, यहाँ पे 14 मैचेस है, यहाँ पे 14 मैचेस सॉरी 15 टीम्स है. 15 टीम्स अगर यहाँ पे है, इसमें से एक टीम अगर मेरी हो सकती है, लेट्स से द वन टीम इज माइन, आई विल गोइंग टू प्ले विथ ऑल अदर 14 टीम्स, राइट? इट मीन्स मैं कितने मैचेस खेल रहा हूँ, 14 मैचेस. सिमिलरली अदर्स ऑल्सो गोइंग टू प्ले 14 मैचेस. तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लियर होगा कि जितने भी हमारे टीम्स हैं, मतलब 15 टीम्स है, वो सारे टीम कितने मैचेस खेलेंगे, 14 14 ईच टीम विल प्ले द मैच. होप इट इज क्लियर. लेट मी जूम इट सो दैट इट इज मोर विजिबल टू यू. ओके, आई होप इट इज विजिबल. इफ यू गो अहेड, इट इज ऑल्सो मैंशन टॉप टू टीम्स ड्यूरिंग द लीग विल प्ले द फाइनल अगेंस्ट ईच अदर. मतलब जो भी टॉप टू टीम होगी वो नेक्स्ट मतलब जो फाइनल्स में मैच खेलेगी. इट इज क्लियर यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि देर इज ऑन टू स्टेज, दैट इज स्टेज वन एंड स्टेज टू. स्टेज वन है राउंड रॉबिन, जिसमें सारी टीम्स दूसरे लाइक हर एक टीम के साथ मैच खेलेगी हर एक टीम. सेकेंड है फाइनल, दैट इज अ फाइनल स्टेज. फाइनल में कैसे जाना है, जो भी टॉप टीम्स रहेंगी वो फाइनल में जाएंगी, लाइक टॉप टू टीम्स. ओके, क्राइटेरिया फॉर दिस, इफ यू वॉन द मैच यू विल गेट 3 points, इफ यू ड्रॉ द मैच यू विल गेट 1 points, इफ यू लॉस द मैच यू विल गेट 0 points. इट मीन्स हार गए तो जीरो, कुछ नहीं मिलेगा. व्हेन 11 ऑफ द 15 टीम वर डन प्लेइंग ऑल देयर मैचेस, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड अबाउट द टॉप 5 स्कोरिंग टीम एट दिस स्टेज. तो इट इज मेंशन दैट जो 11 टीम है उनके मैचेस कंप्लीट हो गए, चार टीम अभी भी है जिनके मैचेस बाकी है, कुछ मैचेस बाकी है. तो ऑब्जर्वेशन कुछ ये मिला है, तो ये मिला इसमें. यू कैन सी हियर दिस 13 मैचेस, 12 12 11, मतलब देखो चार टीम तो यहां से दिख गई है क्योंकि हर एक टीम 14 मैचेस प्ले कर रही है. इट मीन्स बार्सिलोना के कुछ मैचेस बाकी है. कितने मैचेस है, 1 मैचेस बार्सिलोना के बाकी है. एएम के जो है, एएम के लाइक इन शॉर्ट फॉर्म में एएम बोल रहा हूँ, एएम के 2 मैचेस बाकी है. सेविला के 2 मैचेस बाकी है. रियल मैड्रिड के 3 मैचेस बाकी है. एंड वेलेंसिया के कितने, 0. इट मीन्स दीज आर द ओनली 4 टीम जिनके मैचेस बाकी है, कुछ मैचेस बाकी है. फर्दर व्हेन ऑल टीम्स have played all their league matches, it is noted that, okay, अब ये क्या कह रहा है, ये जो यहाँ तक हमें दिया गया है according to this table, ये जो नीचे में given है, these are the points, ये तब का है जब सारे matches हो चुके हैं. It means each and every team played their all matches. Note ये किया गया है, जो Real Madrid है, they scored highest points. Real Madrid ने highest points score किया है. What it mean? हायर पॉइंट स्कोर किया मतलब ये फाइनल में गया होगा रियल मैड्रिड, राइट? दिस इज द वन ऑफ द टीम इज रियल मैड्रिड जो फाइनल में गया होगा. नेक्स्ट, नो टू टीम्स अमंग द टॉप 5 हैव सेम नंबर ऑफ ड्रॉ मैचेस. दिस इज इम्पॉर्टेंट आई थिंक. किसी भी दो टीम के ड्रॉ जो मैचेस होंगे जो टॉप 5 में है, हमें सबका नहीं देखना, हमें टॉप 5 का देखना है, इनके ड्रॉ मैचेस इक्वल नहीं होने चाहिए. अगर किसी का 2 है तो इसके अलावा किसी और का 2 नहीं होगा. They might be 3, they might be 4, okay, but 2 नहीं हो सकता, right? Among the top 5 team, Valencia is not involved in the highest number of drawn matches. It is also clear कि Valencia के matches जो है draw वाले वो lowest होंगे, highest नहीं होंगे. Not you can say lowest, but highest नहीं होंगे. ठीक है, it is clear कि highest नहीं है. And then there is some questions. If you see the questions. CBD लाइक ऑप्शन देखो, यहाँ पे CBD वाले, इट मीन्स शायद हो सकता है कि कुछ वैल्यू फिक्स ना हो, राइट?
Similarly, here also with CBD. So there is possibility, there are some options which might be not fixed. Like, ho sakta hai ki do case ban jaye. Let's see kya hota hai. So here we are going to make our table, and according to the data, whatever provided to us. So let me zoom out a little bit. Yeah. Now see here. अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फर्स्ट बार के लिए ओके बार से लोना अलग ही नाम है, तो मैं बी सिर्फ बोलता हूँ उसे. अगर मैं बी को देखूँ, बी प्लेयर 32 मैचेस, सॉरी बी प्लेयर 13 मैचेस एंड 32 पॉइंट्स. तो 13 मैचेस प्ले किया है, 32 पॉइंट्स बनाए. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, कैसे बन सकता है 32 पॉइंट्स? तो एक कंडीशन तो ऐसा है कि बी वॉन 10 मैचेस, 10 इंटू 3 दैट इज 30. एंड द ड्रॉ की अगर बात कर ले तो कितने ड्रॉ हो सकते हैं? 2 ड्रॉज इफ आई से दैट इज 2. एंड लॉस की अगर मैं बात करूँ तो आई वुड सिंपली से कि 1 लॉस. ओके, यू कैन से सी हियर 10 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 13. तो इन दिस केस, एक केस तो ये मिल रहा है मुझे, दैट इज 10 वॉन, 2 ड्रॉ, 1 लॉस. ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कुछ पॉसिबिलिटी है? लेट्स सी. 9, क्योंकि मैं 11 तो नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं 11 थ्रीज़ा कर लूँ तो 33 हो जा रहा, बट मुझे नंबर चाहिए 32, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. 9 से देख लेते हैं, 327. इसके साथ आई नीड 5 मोर, दैट इज 5 वन ज़ा 5. बट 9 प्लस 5 टोटल मैचेस कितने हो गए? 14. बट बार्सिलोना ने तो सिर्फ 13 ही मैचेस खेले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स ओनली वन कंडीशन इज पॉसिबल, दैट इज 10-2-1 वाला. ओके, सिमिलरली विल फाउंड फॉर अदर्स. अदर टीम का अगर निकाले उसी वे में तो हमें क्या मिलेगा? लेट्स सी. सो फॉर वन, ड्रॉ एंड लॉस, नाउ आई एम गोइंग टू डायरेक्ट राइट द नंबर्स सो दैट यू कैन सॉल्व इट इफ यू वॉन्ट. लेट्स सी, वन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसका ए एम का. ओके, तो ए एम की अगर बात करूँ तो 12 मैचेस ने खेला है एंड 29 इसके स्कोर है. 29 स्कोर कैसे बन सकता है? So the one possibility is what I am getting. 3 nines are like in 9. 3 nines are 27, right? Second one is draw. How much draw? 27 here is a 2 draw. 2 ones are 2. And 1 loss. Okay. 1 loss. This is one of the case. This is 9 matches. Khelenga 27 honga. 2 draw hoge to 2 wahan se to 29 ban gaye. And 1 loss. अदर, लेट्स सी अदर केस इज पॉसिबल और नॉट. 8, देखो मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता. 10 अगर मैं कर लूँ, 10 थ्रीज़ा दैट इज 30, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 29 तो उसके स्कोर ही है. तो 8 से ले लेते हैं, 3 8 ज़ा 24. इन दिस केस इट इज 24, यहाँ पे मुझे 5 चाहिए. अगेन सेम, 8 प्लस 5 इज वॉट, यू कैन सी 8 प्लस 5 इज 13, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए एम ऑल्सो प्लेड इट ऑनली 12 मैचेस. तो ये केस पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज ऑनली कंडीशन विच आर लेफ्ट. Let's see for other team. Sevilla, 12 matches he played, he or the team is they played. So 23 points bane hai. 23 kaise ban sakte hai? Let's see. So nearest to 23 jo multiple hai 3 ka, I would go for that. 3 7 are 21. Okay, 3 7 that is nearest one. 21 yahan se ban gaya, 2 more points, so 2 draw se bana liya usne. And rest will be a loss. Kitne loss ho gaye? 7 plus 2, 9. Left with a 3. 3 loss. Okay. Similarly, 6 se bhi ho sakta hai. 6 and 6, 3, 6 are 18. Okay. 18 ye ban gaye. Mujhe 23 banana hai. Toh I need 5 more. That is 5. 18, 5, 23. Remaining is what? Ye 13 ho gaye. Ek aur tha. 1 loss. इसके नीचे मैं नहीं जा सकता हूँ बिकॉज 5 3 15 यहाँ से नहीं बनेंगे. यू कैन चेक इट, ये पॉसिबल नहीं है, मुझे डायरेक्टली दिख चुका है वो. ठीक है, तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटी. तो हियर आई गॉट अ टू पॉसिबिलिटी, दैट इज 1 is 7 and 3 एंड सेकेंड वन इज 6 5 and 1. Let's come for the next one. Real Madrid, 26 point had Real Madrid
बाई प्लेइंग 11 मैचेस, 11 मैच खेल के 26 पॉइंट बनाए, राइट? कैसे पॉसिबल है? वट इज़ द पॉसिबिलिटी, क्या क्या बन सकता है? सो 26 के अगर मैं नियरेस्ट वैल्यू देखूँ तो 8 3 इज 24, एंड सिंपली 2 मैचेस आई वुड से सिंपली ही ड्रॉन द मैच, ओके 24 ये एंड 2 मैचेस दिस, 26 यहाँ से आ गया, वट लेफ्ट? लेफ्ट विथ 1 मैच, दैट इज शुड बी अ लॉस, एक कंडीशन तो ये बन रहा है, दैट इज 8 2 1। वैलेंसिया, ओके नॉट वैलेंसिया, लेट्स सी द अदर पॉसिबिलिटी फॉर रियल मैड्रिड, 7 सेकंड कर लो, 3 7 21, 21 यहाँ से कर लिया, टू मेक अ 26 ही नीड 5 मोर, ओके एंड सिंपली सी हियर, 7 + 5 इज वॉट, इट इज 12, बट मैचेस प्लेड बाय द रियल मैड्रिड टिल नाउ इज ओनली 11, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अब ये पॉसिबल ही नहीं तो खत्म बात, देखना ही नहीं है अब हमें आगे, ओके आगे देखना ही नहीं है अगर ये हो गया तो। तो एक ही केस बन रहा है इसका, लेट सी फॉर द लास्ट वन, वैलेंसिया 14 मैचेस प्लेड, इसने तो सारे खेल दिया है और 28 पॉइंट्स बने हैं, तो 28 पॉइंट्स कैसे बन सकते हैं? लेट्स ब्रेक इट, एक तो 9 से ही मैं कर सकता हूँ बिकॉज 9 है 27 द नियरेस्ट वैल्यू, सेकेंड इज एक ड्रॉ हुआ होगा, नाउ सी दिस 27 + 1 इट बिकम ए 28, तो 9 ये 10 10 मैचेस डन, बट लेफ्ट लेफ्ट विथ 4 4 मैचेस ही लॉस्ट और द टीम लॉस्ट, तो थोड़ा देख लेना यार इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन देख लेना, इग्नोर इट, 10 1 4, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, लेट्स सी फॉर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट क्या पॉसिबल है? 8 पॉसिबल हो सकता है, 3 8 = 24, ओके इफ इट इज 24, चार मुझे और चाहिए तो चार मैं यहाँ से ले लूँगा, चार ड्रॉ करवा के ले लूँगा, दैट इज 4, 24 + 4 8, एंड 8 + 4 = 12, वॉट लेफ्ट? 2 मैचेस, तो 2 लॉस हो गया, जहाँ मैं बोल सकता हूँ या तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी अगेन दैट टीम प्लेड 8 मैचेस, एंड 4 ड्रॉ एंड 2 लॉस, एनीथिंग एल्स? इज इट पॉसिबल कुछ और हो सकता है? 7 हो सकता है, 3 7 = 21, इफ इट इज 7 मुझे 7 और चाहिए, तो 7 7 = 7 7 1 = 7, 7 + 7 = 14, यस तो 0 बोल सकता हूँ मैं, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ओके 0 लॉस मतलब 7 ड्रॉ हुए, 7 विन हुआ, बट हम वेलेंसिया की बात करें, वेलेंसिया में हमें गिवन है ये पॉइंटर, दैट इज थर्ड पॉइंट, दैट वेलेंसिया इज नॉट इन्वॉल्व इन द हाइएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉ मैच, यू कैन सी इन द ड्रॉ, यहाँ ड्रॉ अगर मैं टेबल देखूँ तो यहाँ 2 मैचेस है, यहाँ 2 है, ये 5 है, ये 2 है, तो इन 5 में से अगर हाइएस्ट वेलेंसिया नहीं है तो 7 तो पॉसिबल है ही नहीं, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, 4 हो सकता है बिकॉज 4 इज नॉट हाइएस्ट, यू कैन सी हियर 5 अवेलेबल है, तो 4 तो नहीं हो सकता है, सॉरी 7 नहीं हो सकता, तो दिस इज डायरेक्टली यू कैन एलिमिनेट दिस बस जस्ट यूजिंग दिस स्टेटमेंट, तो ये 7 वाला कंडीशन में लिख भी नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एलिमिनेट कर देता हूँ इसे, सो या दिस इज वॉट वी गॉट, इससे नीचे मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि अगर मैं 6 लूँगा तो पॉसिबल नहीं है, सो आई होप टिल नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि क्या करना था, अब देखते हैं आगे में, नाउ सी हमने इतना फिल तो कर दिया, अब यू कैन सी हियर कि हमारे कुछ मैचेस बाकी है, कुछ मैचेस जो बाकी थे किसके बीच में बाकी है, यू कैन सी बार्सिलोना के 1 मैच यहाँ पे बाकी है, 2 मैच AM के बाकी है, 2 मैच सेविला के बाकी है, एंड 3 मैच रियल मैड्रिड, नाउ यू कैन सी 3 मैच रियल मैड्रिड, तो सेम मैच तो नहीं खेला होगा ना उसने, एक बार रियल मैड्रिड ने एस के साथ खेला होगा, एक बार AM के साथ, एक बार बार्सिलोना के साथ, मैं बोल सकता हूँ कि रियल मैड्रिड इज द पर्सन हु इज गोइंग टू प्ले मैच विथ ईच ऑफ द 3, रियल मैड्रिड ने पहले बार्सिलोना के साथ खेला, ठीक है, सिमिलरली रियल मैड्रिड प्लेड विथ AM, सिमिलरली रियल मैड्रिड विल प्लेड विथ एस, ओके या फिर सेविला इसके साथ खेला हुआ, ऑल्सो यू कैन सी रियल मैड्रिड के सारे मैचेस हमने करवा दिए, बार्सिलोना के 1 मैच हो गया, बट इन दोनों का एक एक ही हुआ है, एक एक बाकी है, तो 1 मैच जो बाकी हो तो इन दोनों के बीच में ही हुआ होगा ना, क्योंकि यू कैन सी बाकी ने तो सारे मैचेस खेल चुके हैं, तो द लास्ट वी लेफ्ट विथ AM वर्सेस सेविला, ऑल्सो बिकॉज इट इज मेंशन टू मी कि जो हाईएस्ट पॉइंट वाला है वो कौन है, रियल मैड्रिड,
आफ्टर ऑल मैचेस, मतलब जब ये 14 मैचेस प्ले कर ले उसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंटर रहेगा वो रियल मैड्रिड है। यू कैन सी हियर, अगर मैं स्कोर काउंट लाइक स्कोर टेबल देखूँ टिल नाउ अभी तक जो स्कोर है, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि बार्केलोना का 32 पॉइंट्स है, रियल मैड्रिड का 26 है, तो आई नीड टू सरपास 32 देन ऑनली आई बिकम, और बार्केलोना रियल मैड्रिड बिकम अ हाईएस्ट प्लेयर। 32 को सरपास करना है मतलब 33 तो बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट 33। ओके लेट्स मेक अ 32 फर्स्ट। राइट नाउ रियल मैड्रिड के 26 पॉइंटर्स है, अगर मैं इसे 2 मैच विन करवा दूँ यू विल गेट 6 मोर पॉइंटर्स, इट मीन्स 32 पॉइंट यहाँ पे बन गए, 32 यहाँ से बन गए। नाउ द पॉइंट इज एक मैच जो होगा इधर इट विल बिकम अ ड्रॉ, और 32 प्लस एक मैच ऐसा हो सकता है जो हो सकता है विनिंग, या तो ड्रॉ हो जाए तो +1, तो यहाँ से 33 पॉइंट बनेगा, अगर वो जीत जाए तो इसके 35 पॉइंट्स बन जाएंगे। ओके अगर वो जीत जाए तो उसके 35 पॉइंट्स बनेंगे। बट सी हियर, 2 मैचेस रियल मैड्रिड ने यहाँ पे खेल रखे हैं। ओके बार्केलोना, और ऑल्सो वन मोर थिंग नोट डाउन, बार्केलोना जो है उसको तो ये मैच हारना ही पड़ेगा, अगर बार्केलोना ये मैच जीत गया ना, बार्केलोना अगर जीत गया गलती से भी, जीतने का तो ऐसे गुंजाइश है ही नहीं। उप्स, ये मिट कैसे गया, गिव मी अ मोमेंट, ये रेस हो गया। तो ये समझा था आपको 32 यहाँ पे जो पॉइंटर्स हैं, या तो या तो 33 बनेंगे उसके या 35, कैसे बनेंगे देख लेना। यहाँ पे एक ड्रॉ है, यहाँ पे ऑल विन है, तो बार्केलोना को तो हारना ही पड़ेगा यार, या फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, इधर ड्रॉ और माइट भी हारना ही पड़ेगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ड्रॉ करवाओ या तो मैच हरवाओ उसे। ड्रॉ करेगा अगर वो, तो किसके साथ करेगा, आरएम के साथ, तो आरएम के अगर ड्रॉ हो जाए ये भी 33 पे लैंड हो जाएगा, ये भी 33 पे लैंड हो जाएंगे, इस केस में तो हाईएस्ट बन ही नहीं पाएंगा, तो ड्रॉ तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इट इज क्लियर कि बार्केलोना मैच हारा है, तो जो ये मैच था इनके बीच में बार्केलोना और आरएम के बीच में दिस मैच, यहाँ पे आरएम विन किया बार्केलोना हारा है, तो बार्केलोना विल लॉस द मैच, इट इज़ क्लियर टू मी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितने मैचेस लॉस किया बार्केलोना, इट इज़ राइट नाउ 1, जब इसके 14 मैचेस हो जाएंगे, व्हेन इट 13 बिकम 14, ये 1 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 2। ओके एंड टोटल पॉइंटर इज 32। सिमिलरली बिकॉज 2 ड्रॉ हो चुके बार्केलोना के, रियल मैड्रिड के कम से कम 3 ड्रॉ होने चाहिए। इट इज़ क्लियरली वहाँ पे मेंशन है कि हमें टॉप 5 टीम जो है उनके जो ड्रॉज है वो इक्वल नहीं हो गए, बिकॉज बार्केलोना के 2 ड्रॉज ऑलरेडी हो चुके हैं और वो आगे में और ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इट इज़ क्लियर रियल मैड्रिड के 2 से ज़्यादा ड्रॉ है, दैट इज 3 ड्रॉ। तो आई कुड सिंपली रीड दिस एंड मेक 3 ड्रॉ, एंड बिकॉज इट इज़ 3 ड्रॉ, ये वाले कंडीशन की हम बात करें तो इसके टोटल पॉइंट कितने बनेंगे, 33, एंड विनिंग कितने हो गए इसके, विनिंग हो गए 10, विनिंग बिकम 10। होप इट इज क्लियर, एंड 33 हाईएस्ट है इससे, अब जो भी नंबर होंगे इससे छोटे बनेंगे। ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे देख लो, लेट्स सी हियर। ओके अभी ले, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब जो मैचेस है आरएम और एएम के बच्चे, आरएम एंड सेल्विया, आई वुड सिंपली से कि ये तो जीत चुका आरएम, क्योंकि ये जो ड्रॉ, एक मैच हारा, ड्रॉ किया होगा, एक मैच जीता होगा, लेट्स फाइंड विच मैच बिकम अ ड्रॉ, लेट्स सी कौन सा मैच ड्रॉ हो सकता है और कौन सा नहीं। कौन सा मैच ड्रॉ सकता है, लेट्स सी हियर। ओके नाउ आई हैव टू सी दिस पॉइंटर्स, यहाँ पॉइंटिंग टेबल की अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सेल्विया के 2 मैच बाकी है, सॉरी सेविला के 2 मैच बाकी है, इसके 2 मैच बाकी है, एंड इट इज़ क्लियर एक मैच दोनों में से किसी ने हारा है, एक मैच किसी ने, और एक मैच में शायद ड्रॉ हुआ हो। तो यहाँ अगेन ये 2 पॉइंटर्स नहीं हो सकते, दिस कांट बी 2, इवन दिस कांट बी 3, ये 3 भी नहीं हो सकता ना 2 हो सकता है, ये कितना होना चाहिए। यू कैन सी हियर 2 ऑलरेडी बार्केलोना का हो गया, रियल मैड्रिड का 3 हो गया, तो ओनली पॉसिबिलिटीज वो 2 को हट के यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 मैचेस है तो दोनों मैच ड्रॉ होने चाहिए, एंड दिस 2 मस्ट बी ड्रॉ टू मेक दिस 4, एंड जैसे ये 4 हो जाए आई नो कि एएम ने यहाँ पे ड्रॉ किया है मैच, एंड यहाँ पे सेल्विया मैच लॉस किया है। ओके एंड हियर ऑल्सो इट इज़ अ ड्रॉ, यहाँ पे भी दोनों का ड्रॉ हुआ है, तो आई वुड सिंपली से
सेल्विया का एक मैच लॉस हुआ है और एक मैच सेल्विया का ड्रॉ हुआ। तो सेल्विया के जितने भी थे मैचेस उसमें प्लस वन, लॉस में वन हो जाएगा प्लस वन, एंड ड्रॉ में भी कितना हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। ओके इट इज क्लियर हियर गाइस, अगर क्लियर तो गेट ग्रेट, नहीं है तो पीछे करके देख लो। नाउ सी एज यू नो, अब थोड़ा सा फंडा क्लियर हो गया यहाँ पे, अब देख लो खत्म ही हो गया यहाँ पे। ये टू है, अगर मैं टू में प्लस वन कर दूँ तो थ्री हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। थ्री तो हो नहीं सकता क्योंकि थ्री ऑलरेडी रियल मैड्रिड का हो चुका है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि ये सिक्स हो। तो पॉसिबिलिटी जो है क्या हो सकता है कि ये सिक्स हो जाए। तो आई सिंपली इरेज दिस पार्ट, लेट्स इरेज इट। तो ये क्या हो सकता है, ओनली द पॉसिबिलिटी इज सिक्स, फाइव प्लस वन शुड बी सिक्स। और जैसे ये सिक्स हो रहा है उसी तरह से ये सारे केसेस भी आउट हो जाएंगे, दैट इज सेवन वाला केस आउट एंड थ्री वाला केस आउट, एंड बिकॉज वन प्लस वन इज हियर टू लॉसेज, इट इज क्लियरली पॉसिबल नाउ। ओके देन लेट्स कम टू, ये फोर भी नहीं हो सकता बिकॉज इसके फोर ऑलरेडी बन चुके हैं। अब इसका जब फोर बन चुका है तो ये फोर नहीं हो सकता है, ये भी हमें पता चल गया, ये फोर नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, सिंपली ये वाला फोर कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली वन केस इज लेफ्ट, नाइन वन फोर। थोड़ा साफ कर देते इसे, बहुत डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है। नाइन वन फोर इज द केस, दिस इज नाइन, दिस इज वन, दिस इज फोर। यू कैन सी कोई भी ड्रॉ मैच किसी से मतलब क्लैश नहीं कर रहे, ये टू है, ये थ्री है, फोर सिक्स वन, इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। नाउ पॉइंट उसके निकाल लो, नाइन मैच वन के थ्री, नाइन द 27, 27 प्लस फोर ड्रॉ, दैट इज 31। ओके हियर्स मैच वन इज नथिंग बट 24, सिमिलरली नाइन मैच वन थ्री, नाइन द 27, 27 प्लस वन इज 28। So this is what you will get a final table after all the 14 matches. Let's come to the question and see kya pucha hai question mein. So the question first is, who is the other finalist with Real Madrid? As you know, top two team jo hai wo final mein jayenge. Theek hai, top two jo the wo final mein jayenge. Top two mein kaun kaun hai? Let's see who that second topper. एक तो रियल मैड्रिड है क्लियरली, सेकंड इज बार्केलोना, यू कैन सी 32, सेकंड इज बार्केलोना। तो इसका आंसर हो गया बार्केलोना, दैट इज ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द ऑल मैचेस प्लेड बाय सेविला ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हाउ मेनी एंडेड इन ड्रॉ। टूर्नामेंट में सारे मैचेस प्ले किए, कितने ड्रॉ हुए सेविला के ड्रॉज, देयर इज सिक्स ड्रॉ। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिक्स। Which team scored fourth highest? Fourth highest कौन सी टीम है? Let's see which one is fourth highest. So as you can see, first is Real Madrid, second is Barcelona, third is AM, fourth is Valencia. तो इसका आंसर आ गया Valencia, that is option three. Next question, of the top five teams, which team lost maximum number of matches? मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस लॉस किसने किया टॉप फाइव में? तो हियर यू कैन क्लियरली सी, ये जेड नहीं है, ये टू है, ठीक है, जेड समझ लेना। तो सबसे ज़्यादा मैचेस किसने हारा है? वैलेंसिया नहीं हारा है, तो वैलेंसिया, इसका भी आंसर वैलेंसिया हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम नंबर ऑफ विन्स? किसका सेम नंबर ऑफ विन है? लेट सी सेम नंबर ऑफ विन किसके हैं। तो यू कैन सी देयर टू टू टीम, एक तो अगर मैं बार्केलोना की बात कर लूँ, किसके साथ? वैलेंसिया के साथ, सॉरी नॉट वैलेंसिया, रियल मैड्रिड, बार्केलोना एंड रियल मैड्रिड। ओके बार्केलोना एंड आरएम, दिस इज वन टीम जिनके सेम, मतलब ये एक कॉम्बो है जिसका सेम वन है। सेकेंड इज एएम एंड वैलेंसिया, एएम एंड वैलेंसिया, दिस इज द टू। इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन हो तो वो आंसर हो जाएगा, दैट इज बी एंड आर एम। तो बी एंड आर एम तो नहीं है, तो हमें जो देखना पड़ेगा ए एम एंड वैलेंसिया। तो ए एम एंड वैलेंसिया ऑप्शन वन इज देयर, वैलेंसिया एंड
Atletico Madrid. So yeah, this is the set. I hope you like the set. And if you like, I would recommend you to solve more sets, which we will provide in coming days. And this is a maximized score series. I would highly recommend you to solve all the sets of this series so that you should clear your basics. Okay. Or like here our motive is not to solve a tough questions. Here our motive is to get clear your basics before the CAT. So I wish you all the very best. Have a good day. Jai Siya Ram.